माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। एंड हियर यू कैन सी वंस अगेन आई एम बैक हियर एंड आई एम एट अ न्यू प्लेस। पीछे देख करके बताओ कि मैं कहाँ हूँ। येस, आई एम इन द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, द ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। आई एम इन जोधपुर और मैं हूँ अभी मेहरानगढ़ के ठीक पीछे। मेरा जो स्टे है मेहरानगढ़ के जस्ट मैं ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो मेहरानगढ़ है। एंड दिस इज़ द रीज़न टू सेलेक्ट दिस प्रॉपर्टी। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सो करके उठी हूँ और लगभग तैयार हो गई हूँ आज सिटी टूर के लिए। तो ये है मेरी गुड मॉर्निंग टी फ्रॉम जोस्टल। द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज जोस्टल, इट इज़ इन जोधपुर और वेरी वेरी नियर, बहुत ही पास है ये मेहरानगढ़ के। और ये यहाँ से व्यू देखो, सच में मतलब इस प्रॉपर्टी को बुक करने का मेरा मतलब मेन रीज़न यही था, ये व्यू, मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू। यस, इट्स अमेजिंग। दोस्तों मैं रात में ही यहाँ पे आई हूँ, बहुत लेट आई तो कुछ भी सूट नहीं कर पाई। थोड़ा सा मैंने यहाँ से नाइट का व्यू जो है वो बस सूट किया था। तो चलो चलते हैं एज़ यूज़ुअल, और हमेशा की तरह मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेकर के चलती हूँ और जोधपुर की टूर कराती हूँ। हे फ्रेंड्स, जर्नी मेरी स्टार्ट होती है भोपाल से। भोपाल से मैंने भोपाल जोधपुर 14814 ट्रेन ली और मैं शाम के 8 बजे के करीब कल जोधपुर आ गई थी। और यहाँ पे मैंने मेरा जो रूम है वो एक हॉस्टल में बुक किया है। हॉस्टल का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम है जोस्टली। और ये देखो, ये एक फीमेल डॉर्मेट्री है और इसी डॉर्मेट्री में मैं एक न्यूजीलैंड की लड़की के साथ, जिसका नाम निक्की है, तो वो अभी यहीं रूफटॉप पे आई हुई है। तो चलो मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाती हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल विद द गर्ल। हाय, आई एम निक्की। यू आर निक्की? यस, निक्की। ओके, एंड सिंस हाउ मेनी डेज यू आर इन इंडिया? I've been in India for 1 month already and I have about 2 more weeks. Okay. And how many places you have visited here? Quite a few. I started in Rishikesh, which was amazing. I highly recommend it to anyone who likes yoga. Did you like India? I loved it. It's one of my favorite places in India. Okay. Especially if you like yoga, definitely. Okay, yeah. And then a few other places, Amritsar, Delhi, Agra, Jaisalmer, and now here. Okay. What about you? Hi, I'm Tom. I've been in India for 3 weeks and I'm here for 3 more weeks, so 6 weeks altogether. Started in Punjab, Amritsar, then went up to Himachal Pradesh, Dharamshala, Chandigarh, Shimla. Okay. And then watching some cricket as well, watching some World Cup games. Very good. Yeah. दोस्तों फाइनली मैं निकल गई हूँ। यही जोस्टल के पास से ही मैंने ऑटो बुक किया है और ये ऑटो जो है यहाँ के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो मुझे घुमाएंगे। और मेनली जो है जोधपुर में मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है मेहरानगढ़ है, जसवंत थाड़ा है, उम्मेद भवन है और तूल जी का झालरा है। इसके लिए मैंने एक ऑटो बुक किया है, यही जोस्टल के सामने ही मुझे ये मिल गया है एंड फॉर दैट आई एम पेइंग 600 रुपीज। यस, तो चलो हम चलते हैं। एज यूजल मैं आपको भी अपने साथ लेकर के चलती हूँ। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मेहरानगढ़, तो चले चलते हैं और मेहरानगढ़ को विजिट करके आते हैं। मैं आ गई हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट की टिकट काउंटर पे। यहाँ से मैंने ये 200 रुपीज की टिकट ली है। एक दिक्कत हो गई काउंटर पे ही, उन्होंने स्टार्टिंग में जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी वहीं पे उन्होंने मेरा ट्राईपॉड ले लिया। या इट विल बी लिटिल टफ फॉर मी टू ब्लॉग विदाउट ट्राईपॉड, बट इंडिया तो जुगाड़ पे ही चल रहा है तो जुगाड़ करके मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लॉग कर रही हूँ। नॉर्मल 200 रुपीज़ जो है वो बड़ों के लिए, सीनियर सिटीज़न की जो टिकट है वो 100 रुपीज़ की है। और दोस्त पीपल हु आर स्पेशली मतलब इनेबल्ड फॉर देम द टिकट इज 50 रुपीज़। तो चलो चलते हैं और मेहरानगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं विदाउट ट्राईपॉड। अंदर आने के बाद यहाँ
एक लिफ्ट जाती है ऊबर के लिए, और इसके लिए आपको अलग से पे करना है। यहाँ पे एक लिफ्ट जाएगी जो सीधे आपको ऊपर लेके जाएगी। पॉइंट टाइम का चार्ज आपको 50 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये देखो मैं लिफ्ट के पास आ गई, यहाँ की मैंने टिकट ले ली है। Are you doing well? Okay. From which country? Germany. Okay, you're welcome. I like India very much. Thank you so much. Hey friends, तो लिफ्ट से मैं सीधे अभी ऊपर टॉप पे आ गई हूँ। ये देखो टॉप पे आने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है थोड़ा। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ टॉप से ना पूरे जोधपुर शहर का बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरा छत है यहाँ पे। डायरेक्ट लिफ्ट से मैं आ गई हूँ। चलो थोड़ा सा आप लोगों को क्लोज करके जूम करके मैं दिखाती हूँ। जस्ट मेरे पीछे आप देखो, इट्स कॉल्ड पालकी। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पालकी। और ऐसा कहा जाता है कि 1730 में महाराजा अभय सिंह ने गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां को हरा करके इस पालकी को जोधपुर लेकर के आए थे। एंड ये देखो गोल्ड कलर का, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गुजरात वुड वर्क एंड कार्व्ड वर्क। और थोड़ा सा और पास से दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। Right now I am at Phul Palace, और इसे राजा अभय सिंह ने बनवाया था 1724 to 1749 में। और इसकी आप सीलिंग को देखो, और इसके सीलिंग पे जो वर्क है वो गोल्ड का पूरा वर्क किया है, मिरर वर्क है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जितने भी मतलब राजा मेन जो रॉयल पैलेस के लोग थे उनके भी यहाँ पे पिक्चर्स बने हुए हैं। तो यस, मैं थोड़ा सा और क्लोज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। फ्रेंड्स फाइनली मैंने मेहरानगढ़ फोर्ट घूम लिया। अब मैं जा रही हूँ जो ऑटो बुक किया था, अब वहाँ से फिर मैं एक दूसरे जगह जाऊँगी। स्टिल आई हैव नॉट येट डिसाइडेड कि मुझे कहाँ जाना है। हाँ, लिस्ट में मेरे है कि मुझे उम्मेद भवन और जसवंत थाड़ा जाना है। तो चलो चलते हैं और ऑटो वाले भैया से बात करते हैं कि यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट से सबसे पास में कौन सा प्लेस है। Hey friends, so finally मैंने घूम लिया मेहरानगढ़ फोर्ट को। अब मैं निकल रही हूँ जसवंत थाड़ा, और जिसे मेवाड़ का ताज कहा जाता है, जो कि मेहरानगढ़ से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पे है। तो सेम वही ऑटो भैया आ गए हैं मुझे लेने के लिए। तो अभी हम चलते हैं और जसवंत थाड़ा घूम के आते हैं। फ्रेंड्स तो अभी मैं आ गई हूँ जसवंत थाड़ा, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है टिकट काउंटर। यहाँ से आपको 30 रुपीज की टिकट लेनी पड़ती है। तो चलो चलते हैं। और मेवाड़ का जो ताजमहल है, जसवंत थाड़ा को मेवाड़ का ताज भी कहा जाता है। What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing back.
trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. जसवंत थाड़ा घूमने के बाद अब मैं आ गई हूँ उम्मीद भवन। ये देखो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है उम्मीद भवन। बट द इरिटेटिंग पार्ट इज़ दैट उन्होंने मेरा ट्राईपॉड ले लिया, वहीं गेट पे ही ले लिया। मतलब जितने जगह भी मैं घूमी ना, ट्राईपॉड कहीं पर भी मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं लाने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ उम्मीद भवन। ये देखो ठीक मेरे पीछे है उम्मीद भवन का। ये गेट के पास से ही मैंने टिकट ले ली। इंडियन टिकट की प्राइस है 60 रुपीज़ और स्टूडेंट के लिए 30 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करना है। तो चलो हम चलते हैं उम्मीद भवन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगह है और इसका एक बहुत ही अलग मतलब वैल्यू है। एक्चुअली ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में उम्मीद भवन ही एक ऐसा प्राइवेट पैलेस है जो कि इतना बड़ा है, और इसको रॉयल फैमिली जो है अभी भी यहाँ पे एक पार्ट में रॉयल फैमिली रहती है, एक पार्ट में ताज होटल है। तो चलो चलते हैं और उम्मीद भवन को एज यूजुअल एक्सप्लोर करते हैं। What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Friends, अभी मैं आ गई हूँ उम्मीद भवन के म्यूजियम में, और ये मेरे पीछे देखो, मतलब ये जो यहाँ पे डिजाइन है इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये पैलेस कितना बड़ा है। ये देखो, और यहाँ अभी इस पैलेस में, अभी तो मैं म्यूज़ियम में हूँ, लेकिन अभी इस पैलेस में इनके जो ग्रैंडसन हैं महाराजा गज सिंह रहते हैं रॉयल पैलेस में, और सच में बहुत खूबसूरत है पैलेस और बहुत बड़ा है जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया अभी। ये पैलेस की जो मेन मतलब यहाँ पे मेन ये पैलेस इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई थी। क्योंकि इस पैलेस के एक पार्ट में म्यूज़ियम है, एक पार्ट में होटल ताज है, और एक पार्ट में रॉयल फैमिली अभी भी रहती है। और यहाँ पे जो होटल है उसका एक दिन का जो ये है कॉस्ट है 22,000 आपको पे करना रहता है। और चूँकि प्रियंका चोपड़ा की शादी यहीं पर हुई है, तब से ये पैलेस ऑलरेडी बहुत फेमस है, लेकिन जब से प्रियंका चोपड़ा की यहाँ पे शादी हुई तब से ये पैलेस जो है और ज़्यादा ये न्यूज़ में आया है। और ये देखो यार, पैलेस बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हे फ्रेंड्स, सो फाइनली मैंने उम्मीद भवन को विजिट कर लिया। सो दीज आर द मेन टूरिस्टी प्लेसेस इन जोधपुर विच यू कैन विजिट एट द फर्स्ट ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे आप मेहरानगढ़ फोर्ट घूम सकते हो, जसवंत थाड़ा घूम सकते हो, और उसके बाद उम्मीद भवन आ जाना। लास्ट एक बचा हुआ है तूल जी का झालरा, तो चलो हम वहाँ पे चलते हैं। और तूल जी का झा बहुत फेमस जगह है, इंस्टाग्राम ने उस जगह को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है तूल जी का झालरा को। तो ये मेन 4 पॉइंट्स हैं जो आप फर्स्ट डे कवर कर सकते हो, लेकिन उसके पहले मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मैं सो करके उठी, बस चाय पिया और सीधे निकल गई। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या खा सकते हैं अभी यहाँ पे। ऑटो वाले भैया को बोलते हैं कुछ कोई अच्छी जगह लेके चले, उसके बाद फिर हम चलेंगे तूल जी का झालरा। अरे फ्रेंड्स, उम्मीद भवन घूमने के बाद अब मैं आ गई हूँ तूर जी का झालरा। ये देखो, ये है तूर जी का झालरा, सबसे ज़्यादा फेमस जगह, इसे इंस्टाग्राम ने बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और ये मेरे हॉस्टल से एक बिल्कुल एक वॉकिंग डिस्टेंस पे, हार्डली 2 मिनट का रास्ता है। तो ये देखो, ये है वो फेमस इंस्टाग्राम वाला प्लेस। तो चलो मैं थोड़ा सा और क्लोज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सो
So friends, finally I have visited all the tourist places, the famous tourist attractions of Jodhpur, and right now I'm heading towards my hostel, which is very very near to Turji ka Jhalra. ये देखो, ये पीछे आप देखोगे तुर्जी का झालरा था, और ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो, ब्लू कलर की एक बिल्डिंग है, वो मेरा हॉस्टल है जिसका नाम जोस्टल है. तो चलो चलते हैं, और अभी बज गए हैं, शाम के 5 बज गए हैं, तो हॉस्टल चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं. दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो फिर से मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में. और ये मेरा डे 1 का ब्लॉग है, और डे 2 मैंने कहाँ कहाँ मैं विज़िट करी. तो एक नए ब्लॉग में मैं मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना. तो फाइनली मेरा हॉस्टल आ गया, चलो चलते हैं.